हाय एवरीवन, माय सेल्फ नारायण सर फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग और स्टैंडर्ड 11 के बात करें आप तो चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है और यहाँ पर इसके पार्ट टेन की बात करें आप तो पार्ट टेन चल रहा है हमारा। नाइन्थ में हमने पार्ट नाइन जो लेक्चर नंबर 9 था इसका, हमने उसमें यह मोटी पढ़ा और सिग्मा पाई में डिफरेंस मेन टॉपिक को पहले कवर कर रहे हैं हम लोग, देन जो टॉपिक बचेंगे सब आ जाएंगे। तो एमओटी पढ़ने के बाद हमारा टोटल फोकस होगा बाउंड ऑर्डर पर। अगर हमने एमओटी पढ़कर बाउंड ऑर्डर नहीं पढ़ा तो समझ लेना फिर चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं है। तो एमओटी के बाद हम फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस चार हेडिंग हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो पहले बाउंड ऑर्डर को फोकस करते हैं। तो हमारा टॉपिक हेडिंग का नेम ही होगा एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। हमारा पॉइंट से स्टूडेंट एनर्जी लेवल डायग्राम क्लियर फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल, किसके लिए होगा? फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये पॉइंट्स हमारा। और मैं यहाँ पर बात करूँ तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्या पॉइंट्स है, इसका मीनिंग क्या है। सो स्टूडेंट, एनर्जी लेवल डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ देखा जाए, क्लियर। और एनर्जी लेवल डायग्राम से हमें ये बताना है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जब एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल मिलते हैं तो क्या होता है, एंड देन बाउंड ऑर्डर का मीनिंग पढ़ेंगे हम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मैं पहले का नोट कर दे रहा हूँ इसी हेडिंग में, ये होगा। चलो पहले एनर्जी लेवल डायग्राम मैं आपको दिखाई दूँ, बहुत सिंपल तरीके से दिखाऊंगा, टेक्स्ट बुक में भी दिया ऐसा नहीं, वो इसी पॉइंट को, बट वो उनका मैनर अपना थोड़ा डिफरेंट जाएगा। ये हमने दिखा दिया एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहा था मैं, तो एनर्जी लेवल डायग्राम है क्या और इस पॉइंट्स पर ये स्टूडेंट हम बात करेंगे, केयर करना आप लोग। देखो स्टूडेंट, हर लोगों का अपना अलग अलग मोड होता है इसको पढ़ने पढ़ाने का, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको लेके जाऊंगा। सपोज दैट ए ईओ है, ईओ मींस एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने बताया ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, तो ये भी 1s 2s 2p हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान देना, मैंने बताया कि दो 1s ऑर्बिटल मिलेंगे, जो इतने ऑर्बिटल मिलते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक का नेम बीएमओ और दूसरे का एबीएमओ। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, दोनों के अबाउट जा रहे हैं हम लोग। तो स्टूडेंट ध्यान देना आप, अब यहाँ पर पॉइंट्स ये दिखा रहा हूँ मैं,
मीन्स जब दोनों 1s 1s ऑर्बिटल मिले तो यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर बना क्या, यहाँ बना माल्टो ऑर्बिटल। तो इसका नेम है BMO और इसका नेम है ABMO। BMO को हम NB से डिनोट करते हैं और इसमें NA, मतलब BMO में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ABMO नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, मतलब क्या है NA है, ध्यान देना। अब इसको डिनोट करेंगे सिग्मा 1s, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि SS ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाते हैं, तो ये इसी का एंटी बॉन्डिंग। अभी मैंने लिखाया था आपको कि एंटी बॉन्डिंग को वही इस चीज रहेगी, क्या दिखाएंगे स्टार से, सिग्मा स्टार 1s। अब इसको जाएंगे आप पॉइंट्स, हमने दिखा दिया ये है कौन सा होगा, NB होगा और ये NA होगा। अब इसको राइट करेंगे क्या, सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो नेक्स्ट जा रहा हूँ मैं, आप P को ड्रॉ करने, अगर हम P की बात करें तो P में पता है यहाँ तीन तीन ऑर्बिटल दिखाया मैंने, कौन सा PX है, PY है, PZ है, यहाँ पर भी PX है, PY है, PZ है, और ये रहे PX, PY और ये रहा PZ। ऐसा क्यों, एंड देन इनको सेपरेट क्यों किया, स्प्लिट क्यों किया, उसका रीज़न तो स्टूडेंट केयर करना। अब यहाँ से इस पर ले जाएंगे लाइक दिस, ये PX और PY पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनको साथ में रखा, सिग्मा कौन बनाता है PZ, तो इसको लिखेंगे πx π2PY। स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना, जितना भी रेड है वो सब बॉन्डिंग है, BMO है, और जितना ब्लैक कलर है वो सब एंटी बॉन्डिंग से यूनिट किया, तो ये सब क्या है NA है, और ये क्या है सब NB है, मतलब ये BMO है और ये ABMO। स्प्लिट करने का रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि PZ क्या बनाता है सिग्मा, तो ये इसी का एंटी बॉन्डिंग होगा, तो इसको कैसे यूनिट करोगे, पाई स्टार 2PX पाई स्टार 2PY और इसको ऐड करेंगे सिग्मा स्टार 2PZ सो ऑन। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसका मतलब क्या है, इससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर भरेंगे, पहले लोअर एनर्जी में भरेगा, जब तक ये फुल फिल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये भर जाएगा तो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे। इसमें केस ध्यान देना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ बचते हैं तो दोनों में एक एक भरना है, एक ही में दो नहीं भरना है, क्योंकि इक्वल एनर्जी है। एनर्जी लेवल डायग्राम और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करोगे, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पॉइंट पे जाऊँ मैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्ट करूँ, तो पहले डाउन से जाएंगे लोअर एनर्जी से, सिग्मा 1s राइट लोअर एनर्जी है, देन सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s राइट सीरियल नंबर से जाएंगे स्टूडेंट, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px पाई 2py ग्रेटर दैन, फिर सिग्मा 2pz, फिर आपका आएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बट ये माल्टो ऑर्बिटल जो डायग्राम है एनर्जी लेवल का, ये चेंज होता है, कब चेंज होगा, अगर दोनों एटम का एटॉमिक नंबर ऐड करें 14 से ज़्यादा हुआ तो आपको यहाँ चेंज लाना है, इसको ऊपर लेना और इसको नीचे लेना, बराबर। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, वो 14 से ऊपर मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब बात करेंगे कि इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है स्टूडेंट कि हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलरेडी एक बार मैंने आपको समझा चुका हूँ इसके अबाउट, सेकेंड टाइम बताने जा रहा हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है,
इसका मीनिंग जाएं तो बाउंड ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, पहले तो वही वर्ल्ड डेफिनेशन राइट कर रहा हूं, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है सिंगल डबल ट्रिपल उसे हम वर्ड देते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर है। एज एग्जाम्पल H2 में HS के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। सेकेंड डेफिनेशन स्टूडेंट, द हाफ ऑफ डिफरेंस, द हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मीन्स BO इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। तो NB माइनस NA ये पॉइंट्स हमारा हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। मीनिंग क्या है स्टूडेंट, हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, एंटी बॉन्डिंग को उनका डिफरेंस निकालेंगे, उनको टू से डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अब ये पॉइंट्स हो गया, हमें बॉन्ड ऑर्डर से स्टूडेंट ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये पॉइंट्स आप ध्यान देंगे इसको क्योंकि मैं इरेज करने और इसको परफेक्ट तरीके से आप देखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर में है क्या, यहाँ पर NB का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BMO, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ABMO। तो BMO और ABMO में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही हम वर्ड क्या देते हैं, NBN NA। तो NBN NA का पॉइंट सी हो गया। एंड देन आफ्टर हम बॉन्ड ऑर्डर के इंफॉर्मेशन देखेंगे, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आते हैं, हम उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे और पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो आप इस चीज को देखो आप ध्यान से और समझो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिपेंड करेगी। इफ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम NB इज ग्रेटर देन NA, देन मॉलिक्यूल इज स्टेबल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो BMO में प्रेजेंट है उनका नंबर एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं। बट इफ NB इज इक्वल टू NA, NB इज लेस देन NA, देन मॉलिक्यूल्स इज अनस्टेबल, तो देन मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल होगा। सेकेंड पॉइंट,
द निगेटिव एंड जीरो वैल्यूज ऑफ बीओ बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव या जीरो आता तो ये मॉलिक्यूल भी अनस्टेबल होगा और ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, नेचर में एग्जिस्ट बन नहीं पाएंगे। क्लियर। एंड देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे और बात करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड की। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें आप तो होता क्या है, मीन्स द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3 डिटेक्ट द सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें स्टूडेंट, अगर नंबर क्या है 1, 2, 3 तो समझ लेना कि ये उस मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट कर रहा है। क्लियर। सो ये पॉइंट्स हो गया ना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया स्टूडेंट। एंड देन आफ्टर थर्ड पॉइंट, थर्ड इंफॉर्मेशन दैट वी गॉट फ्रॉम व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट। जिस मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। नंबर थर्ड पॉइंट्स हो गया। अब फोर्थ पॉइंट पर जाता हूं मैं और बात करेंगे हम अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बॉन्ड एंथैल्पी। तो नंबर फोर, बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अगला पॉइंट ये है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एंथैल्पी है, वो अपने बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पॉइंट पर अगर हम जाएंगे तो बात करेंगे मैग्नेटिक नेचर की। सो मैग्नेटिक नेचर, अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करें यहाँ पर तो स्टूडेंट, इफ बीएमओ आर एबीएमओ कंटेन मीन्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। बट इफ बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेटिक फील्ड में। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनको
मेडिस फील्ड जो होता है अपनी तरफ क्या करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है, जिसको रिपल करे वो डाई, जिसको अट्रैक्ट करे वो पैरा। दैट इज द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो बॉन ऑर्डर से रिलेटेड है स्टूडेंट, और बहुत ही केयरफुली आप पढ़ेंगे, अच्छे से इसको राइट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं कि नीट जेई दोनों के लिए बहुत बेस्ट पॉइंट है, और बोर्ड में तो है ही, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। एंड देन ये हो गए प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें डिटेक्ट करेंगे, लाइक जैसे स्टेबिलिटी हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, एवरीथिंग। सो अब बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो पहले मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूँ, एच टू मॉलिक्यूल्स, H2 molecules की बात करूं मैं यहाँ पर, तो होगा क्या, मैं सिंपल सा पॉइंट यहाँ राइट कर रहा हूँ, हम मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो मैंने ड्रॉ किया था। बट स्टूडेंट ध्यान रखना, जितने की रिक्वायरमेंट हो उतना ही डायग्राम उतना ही लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा पूरा पी ब्लॉक तक, मतलब ये यहाँ तक जो हमने पी सबसेल तक किया था वही करेंगे। तो हमने ये दिखा दिया दो H2 molecules हैं, तो वन एंड टू, ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एच एटम, ये एच एटम, ये दोनों मिलकर के हमने लिया H2। तो ये एटम है, ये एटम है, और ये मॉलिक्यूल्स, इसका एटॉमिक नंबर वन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है यहाँ पर इनके पास, क्या नेम है, 1s1 1s1। बट इनके कॉम्बिनेशन से हमें पता है कि दो ऑर्बिटल बनेगा, दो ऑर्बिटल में एक बी एम ओ होगा और दूसरा ए बी एम ओ। तो आप समझ गए होंगे कौन बी एम ओ होगा, कौन ए बी एम ओ होगा, राइट। ये एन बी है, राइट, ए एन बी है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ए क्या है, एन ए है। इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा वन एस, और इसको डिनोट करेंगे सिग्मा स्टार वन एस। अब बात करेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, हांस रूल के अकॉर्डिंग इसको भरेंगे हम। तो पहले एक और एक यहाँ मिलकर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट, दो, यहाँ जीरो ही रहा। अब हम क्या राइट करेंगे इसका, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा वन एस टू एंड सिग्मा स्टार वन एस जीरो, इसमें है ही नहीं, इसका लिखेंगे सीरियल नंबर से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एन बी माइनस एन ए। हम बात करेंगे यहाँ पर हाफ एन बी माइनस एन ए, तो बात करें यहाँ पर तो हाफ हो गया 2 माइनस जीरो, मीन्स 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो दैट्स इंडिकेट एच टू मॉलिक्यूल्स, इन एच टू मॉलिक्यूल्स, इन एच टू मॉलिक्यूल बोथ हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच अदर बाई सिंगल बॉन्ड, राइट, बोथ हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच अदर बाई सिंगल बॉन्ड, दोनों एक दूसरे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, क्लियर। एंड देन एच टू मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर है वो कैसा होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, तो अभी मैंने राइट किया क्या प्रॉपर्टीज होगी, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है, राइट, तो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, ये पॉइंट्स हो गया आपका, क्लियर, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया। देन आपका अब बात करेंगे, अगर आपको इसमें थोड़ा मैंने चेंज किया, लाइक सपोज दैट हमने आपको बोल दिया कि H2 H2 प्लस और H2 माइनस, अरेंज द फॉलोइंग डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो हमें इसको अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो स्टूडेंट आप एक चीज़ केयर करो, पहले स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया है और हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बीओ, बीओ मींस बॉन्ड ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बीओ मींस बॉन्ड ऑर्डर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो H2 हो गया, ये पॉइंट्स हो गया, और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। H2 प्लस का मतलब क्या है स्टूडेंट, H2 प्लस का मतलब यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनमें से एक निकल जाएगा, तो एक ही बचेगा, तो यहाँ क्या होगा, वन, यहाँ क्या होगा, इसके लिए जाएंगे तो वन ही बचा,
तो 1 माइनस 0 मतलब 1 बाई 2 0.5 1 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा स्टूडेंट, किसी का 1s2 हो जाएगा कि s2 में दो है, एक माइनस का 3 हो गया, तो एक बढ़ेगा तो 2 माइनस 0 की जगह 1 होगा, 2 माइनस 1 एंड देन अगेन वही 1/2 0.5। अब मैटर ये हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल तो s2 है वो नजर आ रहा है, बट मैटर ये कि s2 प्लस s2 माइनस में कौन होगा, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बट सेम बॉन्ड ऑर्डर होने के बावजूद भी स्टूडेंट वो स्टेबल इक्वलिटी मतलब स्टेबिलिटी में वो क्या इक्वलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, तब हम चेक करते हैं जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हमें पता है एज वी नो दैट नाउ एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन बॉन्डिंग, हम चेक करेंगे किसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो एस टू प्लस में तो सिर्फ एक बॉन्डिंग में ही है, एस टू माइनस में एक एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है, मतलब एस टू माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब मालिक्यूल क्या हो रहा है अनस्टेबल हो रहा है, तो दैट्स क्लियर है कि एस टू प्लस इज मोर स्टेबल देन एस टू माइनस, दैट्स ऑल। सो आपको नीट जे में इस टाइप से देंगे विच आर मोर स्टेबल लेस स्टेबल पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछे तो एस टू प्लस एंड एस टू माइनस दोनों कैसे हैं, पैरा मैग्नेटिक है, क्यों है, क्योंकि प्लस पर एक बचेगा अनपेयर्ड, एक माइनस पे एक बढ़ जाएगा अनपेयर्ड, तो ये पॉइंट्स हो गया। सो स्टूडेंट ये हो गया पहला जो हाइड्रोजन एटम है पीरियोडिक टेबल का, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर एंड उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एनर्जी लेवल डायग्राम एंड अदर थिंग्स। देन हम दूसरा पॉइंट जा रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे मैंने ले लिया Hg2 मॉलिक्यूल्स, कौन सा है हीलियम। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हीलियम यार ये सुना पहचाना जाना जैसा है, ये तो इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस कंबाइन होती नहीं, रिएक्ट तो करती नहीं, तो फिर कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि नहीं ये इनर्ट गैस कंबाइन होंगी और फॉर्म करेंगी। तो स्टूडेंट Hg2 मॉलिक्यूल्स केयर करना, हीलियम मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करें हीलियम मॉलिक्यूल्स की तो इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम जाएंगे Hg2 एंड 2He, तो 2He हीलियम एटम है, ये भी एटम और ये हो गया हीलियम मॉलिक्यूल्स, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 हो गया, बगैर डायग्राम ऑर्बिटल के दिखा रहा हूँ मैं, ये हो गया दो ऑर्बिटल, क्योंकि दो एच मिलेंगे तो दो ही बनाएंगे, एक BMO और एक ABMO, ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग स्टूडेंट, एक यहाँ से एक यहाँ से आएगा, ये फुल फिल्ड हो गया, यहाँ से भी फुल फिल्ड हो गया, अब इसे EC पता चल गया, EC क्या होगा सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, तो ये हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s एंड देन हम फाइंड करेंगे BO हाफ NB माइनस NA, तो मतलब हाफ NB दो NA दो मीन्स जीरो। मैंने बात किया था आपको पॉइंट बताया था इस पर बॉन्ड ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन में कि अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो या फिर नेगेटिव होता है, क्या होता है जीरो या फिर नेगेटिव, तो मॉलिक्यूल्स कैसा है अनस्टेबल है एंड डज नॉट एग्जिस्ट। सो जीरो बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट that Hg2 molecules does not exist. Hg2 molecule does not exist. मतलब Hg2 molecules का formation possible नहीं है, ये points हो गया हमारा about the bond order of Hg2 molecules. अब चलते हैं आगे और न्यू मॉलिक्यूल्स लेते हैं,
हमें किसका किसका बाउंड ऑर्डर निकालना है, मैं पहले अभी राइट करूंगा, जो पॉइंट्स होंगे मोर समझाएंगे, और बहुत सारे मालिक्स का बाउंड ऑर्डर आपको खुद कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो स्टूडेंट, अब राइट करेंगे हम उन मालिक्स का, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द बाउंड ऑर्डर। क्लियर? सो कैलकुलेट द बाउंड ऑर्डर, हम बात करें आपको कैलकुलेट द बाउंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। किसका निकालना हमें, हमने राइट किया एच टू, एच ई टू, राइट, एल आई टू, बी टू, बी टू, राइट, सी टू, एन टू, ओ टू, एफ टू, एन ई टू, एंड हेटरोटॉमिक में भी निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं सी ओ, एन ओ, सी एन। इतने मालिक्यूल्स हैं स्टूडेंट जिनके बारे में हमें सबका बाउंड ऑर्डर निकाल के कैलकुलेट करना है। हमने दो का आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पर, ऐसे ही आप इन दोनों का फाइंड आउट करोगे। अब मैं चल रहा है सीधे काम बी टू पर, एन टू पर, एक एक बीच में आपको प्रैक्टिस के लिए। तो बात करते हैं बी टू की, बी टू मॉलिक्यूल्स, बी टू मॉलिक्यूल्स की बात करूं मैं यहाँ पर, तो फिर अब बोरॉन, बोरॉन फाइव, बोरॉन का एटॉमिक नंबर फाइव, और ये है बी टू। क्लियर? एंड देन इस पॉइंट के बाद हम बात करेंगे इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की, तो 1s2, 2s2 एंड 2p1, यहाँ भी ऐसा होगा 1s2, 2s2, 2p1। अब स्टूडेंट यहाँ पर पता है कि s का ऑर्बिटल जो है एक एक रहेगा, अब ये भी बनाएगा क्या, एक बी एम ओ और दूसरा ए बी एम ओ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर That's all. तो ये हो गया आपका एन बी एन ए, एन बी एन ए, एन बी और ए एन ए। नेम क्या है आपको, ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये हो गया सिग्मा वन एस, ये हो गया सिग्मा स्टार वन एस, ये हो गया सिग्मा टू एस, ये हो गया सिग्मा स्टार टू एस, ये हो गया पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, और ये हो गया सिग्मा टू टू पी जेड, और ये हो गया पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, एंड देन इसका हो गया सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें दो है, तो यहाँ पर फिलअप करेंगे हम, ये फुलफिल होगा और यहाँ पर ये हो गया। अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूँ सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, वन वन इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट यहाँ पर। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है,
और अब हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, हाफ एन बी माइनस एन ए। एन बी को कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 2 6, तो मैंने राइट कर दिया हाफ 6 माइनस 4, 4 का आंसर है एंटीबॉडी 2 2 4 और ये 0, तो हो गया कितना स्टूडेंट 6 माइनस 4, 2 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो दैट्स इंडिकेट बी टू मालिकल्स में दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी सिंगल बॉन्ड की है। एंड देन बी टू मालिकल्स इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, राइट। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एनर्जी लेवल डायग्राम एवरीथिंग इज राइट कर दिया मैंने। सो स्टूडेंट ये हो गया हमारा टेक्निक बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। इससे हम क्या क्या चेक कर लेते हैं, स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, राइट, ए एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, स्टेबल है या नहीं, अनस्टेबल है, इस पर भी प्लस माइनस हम केस क्रिएट कर सकते हैं। कि जैसे अभी मैं आपसे ये पूछूं कि बी टू है, बी टू प्लस और बी टू माइनस में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो बी टू का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बी टू प्लस का मतलब ये हो गया कि पहले हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाते तो यहाँ से जाएंगे, राइट, ये बॉन्डिंग से जा रहा है तो यहाँ जाएगा कितना 5 माइनस 4 1 बाई 2.5 हो जाएगा। अगर मैं माइनस की बात करूँ यहाँ पर, माइनस तो एक बढ़ जाएगा स्टूडेंट, बढ़ने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बढ़ेगा, तो ये जो बॉन्डिंग है देखना है आपको, ये रिलीज होगा यहाँ से, ऐड होगा यहाँ पर, तो ये 7 माइनस 4 3 बाई 2 1.5। तो अगर मैं इसका चेक करूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्म्स से जाए तो पहले क्या होगा, बी टू माइनस ग्रेटर देन बी टू ग्रेटर देन बी टू प्लस, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट आज चैप्टर 4 स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 4 पार्ट 10 में इतना ही। बचे हुए बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो C2, N2, O2 एंड ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, CO, NO, फिर ये होमवर्क आपके लिए रहेगा। ये चार कंपाउंड मीन्स ये 3 और ये 2 मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।